सो कैसे यार, आज की वीडियो में हम लोग एक अलग इम्यूलेटर ट्राई करने वाले हैं, जो कि मैंने भाई आज तक कभी ट्राई नहीं किया है। उसमें भाई GTA 5 है, तो हम लोग उसमें GTA 5 खेलने वाले हैं। लेकिन भाई उस क्लाउड इम्यूलेटर का भाई कुछ अलग ही सिस्टम है। उसका जो चाइनीज़ वर्जन है ना भाई, वो जो बैन हो चुका है, इंडिया में नहीं है अभी। लेकिन उसका जो ग्लोबल वर्जन है भाई, वो अवेलेबल है हम लोगों के लिए इंडिया में। तो मैं बात कर रहा हूँ भाई क्लाउड गेम्स नाम का क्लाउड इमेजर, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलो भाई चलते हैं, मैंने उसे डाउनलोड कर लिया, आप लोग भी उसे ट्राई कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा क्लाउड गेम्स। तो भाई जब हम लोग इस ऐप को खोलेंगे तो ये बोलता है कि यहाँ पर कुछ ये ओल्ड वर्जन हो चुका है ये ऐप का, तो अभी इन लोगों ने कुछ नया वर्जन निकाला है। जैसे आप लोग ओके करोगे तो उस पेज पे आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसा कि मैंने बोला था भाई, इस वाले क्लाउड इमेजर कुछ अलग ही सिस्टम है। तो यहाँ पर भाई आप लोगों को 3-4 गेम जो है स्विप के SVIP के, वो फ्री में यहाँ पर खेलने को मिल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब वो जो टाइम है यहाँ पर कुछ दिया नहीं है कि कितने टाइम के लिए आप लोगों को खेलने मिलने वाला है। और जब आप गेम के अंदर घुसोगे तब भी भाई यहाँ पर आप लोगों को जो टाइम लिमिट है ऐसा कुछ दिखाता भी नहीं है कि कितना टाइम बचा है या फिर कितना टाइम आप लोगों को मिला था गेम खेलने के लिए। तो मैं यहाँ पर भाई GTA 5 प्ले करने वाला हूँ सिंपली, ऐड आ चुके, इसे हम लोग क्लोज कर देते। ओके तो भाई हमारा जो गेम है स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर भाई फुल स्क्रीन में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, ऐसा ही हम लोग यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा हमें। और यहाँ पर एपिक गेम्स दिखा रहा है, रेनवे जो सर्विस है क्लाउड गेमिंग उसका कुछ दिखा रहा है। और भाई यहाँ पर गेम चालू होने से पता नहीं पहले ये सब क्या दिखा रहा है, यहाँ पर गाने वाने बज रहे, भाई कॉपीराइट आ जाएगा, मैं म्यूट कर देता हूँ। भाई पता नहीं ये एक गेम स्टार्ट होने के लिए क्या क्या दिखा रहा है। और यहाँ पर भाई फाइनली यहाँ पर ये साथ गेम स्टार्ट होने वाला है, वर्चुअल गेमिंग प्लेटफॉर्म क्लाउड गेम्स वेलकम। ओके भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम दिख रही है मेरे को, यहाँ पर जो लैटेंसी वो बहुत ही अलग दिख रही है, मतलब ज़्यादा दिख रही है। और जो वीडियो है ना भाई, उस पर जब मैं स्क्रीन पे टच करके रखता हूँ तभी प्ले होती है, अगर मैं स्क्रीन से अपनी जो उंगली बता दूंगा या फिर टच करना छोड़ दूंगा तो वीडियो जो पॉज हो जाता है, लेकिन साउंड जो है आने लगता है। और यहाँ पर योर पिंग इज़ टू हाई बता रहा है, भाई मेरे 5G यार देख ले यार, ऐसे कैसे पिंग हाई बोल रहा है भाई तू। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। भाई GTA 5 का साउंड आ गया, ये देखो भाई रिस्टार्ट अपने आप हो गया है, लेकिन भाई वीडियो लेट दिख रहा है, भाई साउंड जल्दी आ रहा है, वीडियो लेट आ रहा है। वीडियो तभी दिख रहा है जब मैं स्क्रीन पे टच करके रख रहा हूँ, क्या इम्यूलेटर भाई ये पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब जब मैं यहाँ पर रिस्टार्ट किया तो भाई फिर से वही प्रॉब्लम है, पिंग इज टू हाई। तो यहाँ पर मेरे को भाई एक बात याद आई कि जब मैं नेटबुक में यहाँ पर 5G से गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर भी जो ब्लैक स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने 4G पे स्विच किया तो गेम चलने लग गया था। तो वही चीज़ मैं भी यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, 4G में यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा एंड देखते हैं भाई हमारा जो गेम है स्टार्ट होता है या फिर नहीं, या फिर से पिंग का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं यहाँ पर 4G करने के बाद जो है मेरा गेम स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पर कंट्रोल नॉट डिटेक्टेड, ऑन स्क्रीन कंट्रोलर्स विल बी यूज्ड, भाई कंट्रोलर भी है, देखते भाई किससे खेलना है। पहले यहाँ पर गेम स्टार्ट हो जाए, पहले यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन फिर से आ गई, देखते भाई साथ लोड हो रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की है कि मैंने जो ये GTA 5 है ना भाई, ये ऑफिशियल वाला है, मतलब क्रैक वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब लॉग इन हो रहा था तो सोशल क्लब अकाउंट दिखा रहा था कि उससे लॉग इन है। तो गेम जो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर ही काम नहीं कर रहे भाई, ऑन स्क्रीन कंट्रोल क्या हो गया भाई इनको, भाई ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स तो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे। मैं कहीं भी टच कर रहा हूँ फिर भी जो कुछ वहाँ पर हो नहीं रहा है, ये व्हील भी मूव नहीं कर रहा है, और ऑडियो वीडियो के साथ सिंक नहीं है भाई, ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मेरे में तो कई प्रॉब्लम आ रही भाई, यहाँ पर मैंने कई बार ट्राई किया है फिर भी जो है सेम प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप लोग ऐसे ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लिंक मैं पिन कॉमेंट में दे दूँगा, फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्लाउड गेम्स। सो गाइस यार आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।